आम का रास्ता खोलने का अजम, भारतीय मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। करतारपुर बॉर्डर खोलने की इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की वफद के हमरा वाहगा के रास्ते लाहौर आमद। भारतीय सहाफियों के दो वफूद भी लाहौर पहुंच गए, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नवजोत सिंह सिद्धू की गवर्नर हाउस आमद, गवर्नर चौधरी सरवर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल का दिन खास है, तारीखी रकम होने जा रही है। अमन का रास्ता ही मसाइल को हल कर सकता है, मसाइल बातचीत के जरिए हल होते हैं। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू बाबा गुरु नानक की तालीमात मशाल ले रहा है। पाकिस्तान में तमाम मजाहब को मुकम्मल आजादी हासिल है, गवर्नर पंजाब का खिताब। दिल विच आस उम्मीद ते प्यार लैके करन सोहने भविख दा और आया, जानी फुल दे उत्ते बन के पौर आया। अज एदी जियारत मैं करन खातर सोहने यारां दे शहर लाहौर आया। नवजोत सिंह सिद्धू का लाहौर पहुंचने पर पंजाबी अंदाज, मखसूस अंदाज में नजम पढ़ी, बोले सरहदें खुलनी चाहिए, अवाम के रास्ते बढ़ने चाहिए, मजहब को सियासत के चश्मे से ना देखा जाए। वजीर आजम इमरान खान ने जो बीज बोया वो आज तनावर दरख्त बन गया। राहदारी खोलने पर वजीर आजम अवाम और हुकूमत के शुक्र गुजार है। नवजोत सिंह की पाक भारत क्रिकेट मैचेस कराने की भी हिमायत। धर्म को राजनीति और आतंकवाद के चश्मे से मत देखो। इस दुनिया में कौन सा ऐसा जनक और पिता है जिसके दर पे उसके भक्तों को माथा टेकने से रोका जाए। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर मुंतकिल, सख्त सिक्योरिटी हिसार में हज टर्मिनल से नैब ऑफिस ठोकर नियाज बेग पहुंचा दिया गया। शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट से लाने वाली गाड़ियां ताखीर से पहुंची। साबिक वजीर आला 20 मिनट से जायद हज टर्मिनल पर इंतजार करते रहे। डबल सवारी के लिए डबल हेलमेट, वरना चालान के लिए हो जाए तैयार। 1 दिसंबर से मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद पर हेलमेट की पाबंदी लाजमी करार। दोनों मोटरसाइकिल सवार की हेलमेट की पाबंदी ना करने पर चालान होगा, हाईकोर्ट का हुक्म। हेलमेट की पाबंदी ना करने पर 2 लाख से ज्यादा चालान किए। CTO ने इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। साइड मिरर ना लगाने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाए, अदालत का हुक्म। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए तालीमी इदारों के ग्राउंड्स की बहाली का केस, 3 माह गुजर गए, अब तक ग्राउंड्स क्यों बहाल नहीं की। चीफ इंजीनियर LDA हमेशा अदालत को गुमराह करते रहे। जस्टिस अली अकबर कुरैशी बरहम, चीफ इंजीनियर की गैर मशरूत मुआफी मुस्तरद कर दी। ग्राउंड्स की बहाली से मुतालिक हकायक जानने के लिए कमीशन तश्कील। ग्राउंड्स बहाल ना हुए तो चीफ इंजीनियर को मुअत्तल करके रिपोर्ट दे, हाईकोर्ट का DG LDA को हुक्म। तब्दीली सरकार के 100 रोज, पुलिस इस्लाहात हुई ना सियासी मुदाखलत का खात्मा, U-turn पर U-turn। 1 माह में 2 IG तब्दील, अस्पतालों की हालत इजार बदली, ना बिजली सस्ती हुई, महंगाई भी बेकाबू। नौजवानों को नौकरियां मिलने का इंतजार, 50 लाख घर कैसे बनेंगे, हुकूमत तफसीलात बताने से गुरेजा। पैसों की अदम अदायगी, अस्पतालों का फुजला, तलब करने का मंसूबा इल्तवा का शिकार। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने LWMC से 2017 में मुआहदा किया मगर 48 करोड़ अदा ना किए। 3 माह कबल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने पर 40 करोड़ जारी किए। मंसूबे की तकमील के लिए 3 माह का अरसा दरकार होगा, LWMC ने साफ साफ बता दिया। नई हुकूमत पुराने मसाइल, बुजुर्ग पेंशनर्स रुल गए। EOBI के अमले ने पेंशनर्स को टरखाना शुरू कर दिया। पेंशन के हसूल के लिए जाने वाले साबिक मुलाजमीन को महकमाना तस्दीक का अमल मुकम्मल न होने का उजर पेश किया जाने लगा। इल्तवा के शिकार केसेस क्लियर करने की हदायत की है रीजनल डायरेक्टर।
हाई कोर्ट की डेडलाइन पर इंतजामिया इन एक्शन। मॉल रोड और हॉल रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, मुतादिद तजावुजात मिसमार। दुकानों से बाहर मौजूद सामान ट्रकों पर लाद कर ले जाया जाने लगा। डिप्टी कमिश्नर ने भी हॉल रोड का दौरा किया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की करोड़ों रुपए मालियत की 32 इमलाक पर कब्जे का इंकशाफ। कई बरसों से इमलाक वागुजार हुई और ना ही वाजिबात वसूल हुए। शोभा रेगुलेशन ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को मुरासला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद ऑरेंज ट्रेन के ठेकेदारों को अदायगियां ना हुई। अदालत ने 10 रोज में ठेकेदारों को अदायगियां करने का हुक्म दिया था। इंतजामिया और ठेकेदारों के दरमियान अदायगियों पर डेडलॉक बरकरार। मंशा बम और उसका बेटा आसिम मंशा 7 दिन का जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश। मुलजिमान पर सरकारी जमीन पर कब्जे और एलडीए टीमों पर हमले के मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। सूबाई वजीरे सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से एंथेजिया कोर्स मुकम्मल करने वाले माहरीन की मुलाकात। एंथेजिया माहरीन को पुरकशिश तनख्वाहों और मुराद देंगे। माहरीन को मुआवजे के अलावा ऑपरेशन फीस भी मिलेगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गुफ्तगू। गैर मियारी तामीर, मेन उर्दू बाजार की सड़क बैठ गई। राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात। शहरियों ने गड़े के अतराफ में ईंटें रख दी। एलडीए टीपा जिले इंतजामिया बल्दिया उज़्मा का कोई ऑफिसर मौके पर ना पहुंचा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल्स में बगैर सर्टिफिकेट दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी। दाखिले के लिए बच्चे के साबिका स्कूल का सर्टिफिकेट पेश करना लाजमी होगा। इत्तलाक सरकारी और निजी स्कूल दोनों पर होगा। शहबाज शरीफ की कल एहतसाब अदालत में पेशी। नून लीग का भरपूर एहतजाज का प्रोग्राम। ओहदेदारों कारकुनान को अदालत पहुंचने की हदायत। परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर अदालत के बाहर एहतजाज की कयादत करेंगे। पेशी पर ना आने वालों की लिस्ट बनाएं। हमजा शहबाज की परवेज मलिक को हदायत। किफायतशारी मुहिम कायदे आजम एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ने अफसरान के जेरे इस्तेमाल दर्जनों गाड़ियां वापस मंगवा ली। सिर्फ जरूरत की गाड़ियां रखी, बाकी फरोख्त कर दी। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास। घर का मुलाजिम ही घर का चोर निकला। जोहर टाउन में घर से सोने के जेवरात चुरा कर भागने वाला मुलाजिम रंगो हाथ गिरफ्तार। इत्तला मिलने पर डॉल्फिन एहलकारों ने मुलजिम को दबोच लिया। लाहौर को साफ शफाफ करना मिशन है। 6000 कनाल से जायद अराजी वागुजार करा ली। रेडीबानों को लाइसेंस देंगे, उनके लिए जगह और पॉलिसी भी बनाई जाएगी। 5 पनागाहों की तामीर जल्द मुकम्मल करेंगे। हर पनागाह में सेहत, LWMC और सिक्योरिटी के हवाले से कमेटी कायम। सोशल वेलफेयर कमेटी शेल्टर्स होम की निगरानी करेगी। डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद जागो लाहौर की मेहमान बनी। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, इंतजामी मसाइल और उनके हल पर सैर हासिल गुफ्तगू। तबलीगी जमात यूरोप के अमीर मोहम्मद इसहाक पटेल की नमाज जनाजा अदा। रायवंड इज्तिमा गांव में लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। मरहूम मोहम्मद इसहाक हाजी अब्दुल वहाब की ताजियत के लिए पाकिस्तान आए थे। सेफ सिटी अथॉरिटी 1000 तफ्तीशी अफसरान को तरबियत देगी। सेफ सिटीज अथॉरिटी से हसूल फुटेज बारे तरबियती कोर्स का आगाज। इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs कोर्स में शरीक। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फूड सिक्योरिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी के मौजू पर 2 रोजा आलमी सिंपोजियम का इनेकाद। मुल्की और गैर मुल्की माहरीन की भरपूर शिरकत। फैमिली की बहुत याद आ रही है, केस जल्द निपटाया जाए। मनशियात केस में गिरफ्तार टेरेसा पेशी के मौके पर अहाता अदालत में रो पड़ी। सेशन कोर्ट ने तरमीमी चालान के आखिरी गवाह को शहादत के लिए तलब कर लिया।
किनेड कॉलेज में तालिबात के चौके और छक्के। विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट में तीन टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले। कौमी खवातीन टीम की खिलाड़ी मैच में शरीक हुई। और नेशनल विमेन हॉकी चैंपियनशिप में शानदार मुकाबले। रेलवे ने खैबर पख्तूनख्वा की टीम को 22 स्कोर से शिकस्त दी। पाक आर्मी और सिंध वाइट्स की टीमें मद्देमुकाबले।